मजा आया। आज सोच रहे तेरी मानना पड़ेगा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको नंदा देवी का डोला उठते हुए दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, एक बार तो मौसम बिगड़ के सही हो गया है, खुलने लग गया है मौसम। एक बार बारिश आ चुकी है, हमें भी भिगा चुकी है, अब फिर से मौसम खुल चुका है। अभी हम चलते हैं नंदा देवी की ओर। अब आप लोग देख ही सकते हैं नंदा देवी मेले में 5 दिन का जो मेला हुआ था वो पूरा हो चुका है। अब डोला उठने की तैयारी होने लग गई है। पूरे उत्साह के साथ नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नंदा देवी मेले में अब डोले में बैठाने के लिए माताओं की भीड़ मूर्तियाँ लाई जाने वाली हैं। आप अंदर से सभी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बैठाने की कोशिश करूँगा। ये जोर से नारे गूंज रहे हैं माता के, देख सकते हैं भीड़ तो काफ़ी है। लोग छतों में भी चढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, सब छतों में चढ़ रहे हैं घरों के। नारों के संग गूंज रहा है पूरा नंदा देवी फील्ड है। ये देख सकते हैं अब आरती भी आ चुकी है बाहर, सब लोग आरती लेने आते हैं। ये पीछे से माता के हथियार भी आने लगे हैं, तलवार मूर्ति के संग ही जाते हैं, आगे से ये जाते हैं और पीछे से मूर्ति जाती है, डोला जाता है नंदा देवी माता का। ये देख सकते हैं आप लोग नंदा देवी माता की मूर्तियां आ गई हैं, अब उसे डोले में रखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है मेला।
अब तो पूरी तैयारी हो गई है डोला उठाने की। ये डोला उठा भी लिया गया है। जय हो नंदा सुनंदा मैया की। ये देख सकते हैं आप लोग। इतनी है कि मैं आपको आगे का फेस भी नहीं दिखा सकता मैं जाता। तो वापस जब पूरे राउंड लगाएगी मंदिर के तो उस टाइम दिखाऊंगा आपको। अभी इसी वीडियो में आगे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है मंदिर का। आप लोग देख सकते हैं लोग इसमें टीका चंदन अक्षत डाल रहे हैं, माता के ऊपर फूल दुआएं मांग रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो इस डोले को छुएगा तो उसकी दुआएं पूरी होती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हल्का बहुत यहाँ से फेस दिखने लग गया है माता का। कितने प्यारी से सजाया गया है माता के डोले को। डोले को देखने के लिए मेरे पर कल परसों से भी ज़्यादा भीड़ आई है। ये देख सकते हैं। जय माता दी। ये देख सकते हैं आप लोग जूम करके, ज़्यादा जूम करने पे फट भी जा रही है फोटो, तो ज़्यादा जूम करने में।
भीड़ इतनी थी कि वीडियो बनाने पे हाथ हिलना ये देख सकते हैं इतनी भीड़ है, बड़ी मुश्किल से धक्के मुक्के खा के इतने डोले के फिर भी करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। धक्का तो इतना तगड़ा लग रहा है कि एक बार नीचे गिर गया तो लोगों के पाँव के नीचे ही आने हैं, एक दो बार घुसे तो खाने ही खाने हैं। एक बार भी गिर गया तो ये देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ आ रही है। अब आप जानते हैं कि भीड़ में ज़्यादातर लड़के हैं और वो पहले तो ये बांसुरी ये बजा बजू के काम ये इतने पीछे हूँ मैं अभी, जिस टाइम वहाँ से मंदिर से बाहर आया था इस करेक्ट इसी के पीछे था, तो अब इतना पीछे हो चुका हूँ मैं वीडियो बनाते बनाते। आज ही लग ही नहीं रहा है कि ये अल्मोड़े का मार्केट है। लोग घरों से तीसरे छतों में जाके वीडियो बना रहे हैं, फूल वूल चढ़ा रहे हैं माता के डोले पे, कैमरा हद से ज़्यादा हिल रहा है। बताया था ना कि ले गाई के भी धक्के मुक्के तो ऐसे खा रहे थे कि उसमें कोई गिर गया तो दो तीन लाख रुपये से पढ़ने ही पड़ने। पुलिस वाले ने उठा लिया तो उठा लिया, वरना आराम से 20-2500 खाएगा ही खाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो बचाना इम्पॉसिबल ही होता है उसका। ओके, ये अब हम पहुँच चुके हैं प्रॉपर मार्केट पे, जहाँ पे एक आदमी की बराबर जगह सेल्स नहीं बची है।
फुल है पूरी मार्केट का रास्ता फुल, लोगों ने दुकान जो बाहर सामान भी रखे रहते थे वो सब अंदर रख लिया है, क्योंकि उन्हें पता है हर साल की तरह इस साल भी हंगामा होगा, धक्के मुक्के खा के भी। फिर भी डोले के नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अब हम पहुंच गए आपके शिखर वाले रोड पे, पूरी रोड भरी पड़ी है, ऊपर वाली रोड भी नीचे वाली रोड भी दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि अब यहाँ से आगे को तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, क्योंकि धक्का इतना तेज़ लग रहा है कि डोले वालों के लगभग 25 लोगों को अलग रख लिया है, जो उसको डोले को कंधे पे ले जा रहे हैं। यहाँ से पुलिस वाले हमें रोक दिया है, पुलिस वालों ने देख सकते हैं आप, उनको आगे भेज दिया थोड़ा। कहा था ना आपसे कि धक्का तगड़ा लग रहा है। डोला नीचे चले गया है, देखो जनसंख्या देखो आप लोग, फिर भी इस वायरस में कितनी सारी जनसंख्या आई है। ये भीड़ देखो ना, भीड़ इसके पिछले साल तो इतनी भीड़ नहीं थी, ये इस साल हो गई है इतनी भीड़। तो नारा के संग हम पहुंच चुके हैं आपके शिखर वाली रोड पे, मेन रोड पे। तो ट्रैफिक रोक लिया है दोनों साइडों का, ट्रैफिक रोक लिया है, गाड़ियाँ सब रोक ली हैं यहाँ पे सब नाला। ये देख सकते हैं मैं पीछे की वीडियो भी बना रहा हूँ आपके द्वारा आपके लिए, पीछे भी लोग आने नहीं हैं। लगभग हम आपके 200-300 मीटर आगे आ चुके हैं, फिर भी वहाँ से लोग यहाँ पे भोलेनाथ का भी नारा लगते हुए। आगे भी इंतज़ार करते हुए सारी महिलाएं भाई बहन डोले का दर्शन करने के लिए अपने छतों में चढ़ी हैं। देख सकते हैं आप भीड़ को, अभी भी वहाँ इतनी भीड़ है। ये यहाँ पे नारों के संग एक अंकल को उठा लिया है कंधों में लौंडे मड्डू ने, अब डोली भी चली गई चल पड़ी। ये देख सकते हैं ये आप लोग सुन सकते हैं आज क्या है खतरवा का नारा। हम पहुंच गए आपके यहाँ पे लोहे के शेर के वहाँ पे, जो गली खाली दिखाई देती थी आज वो फुल है, वो क्या पूरा अल्मोड़ा ही फुल है। इतना प्यारा डोला उठता है यहाँ पे और इतनी भीड़ होती है, देख सकते हैं पूरी गली फुल है। ये कितना
कितना जोश आ रहा है, लौंडे को जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत मेरे भी गले में दर्द है नारे लगाते लगाते। ये देख सकते हैं जिस टाइम ट्रैफिक रुका है डोला गुजारा करके पूरा 1 किलोमीटर तक पूरी गाड़ियां लगी हैं, स्कूटर बाइक हाइक सब ठप है। देख सकते हैं कितने तो वापस भी आने लगे दूसरे रास्ते। ये आप देख सकते हो आप अंदर डोला जाने के बाद पूरा ग्राउंड खाली खाली होने लग गया है। ये अभी तो कुछ दुकानें हैं तो तब यहाँ सब घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अब थोड़ा दिन मिस करेंगे हम मेले को।